ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 114 कर रहे थे लास्ट टाइम. ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 114 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे. हमने यहां से स्टार्ट करना है. देखो नेक्स्ट है. प्लेन मिरर इज मेड अप ऑफ ग्लास स्लैब 3 सेंटीमीटर थिक एंड सिल्वर्ड ऑन दी बैक. एक प्लेन मिरर है, ग्लास स्लैब से बनाया गया है और पीछे की सरफेस को पेंट करके मिरर बना दिया. पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द अनसिल्वर्ड फेस ऑफ द मिरर. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज. तो इसकी ज्योमेट्री देखो. ये एक ग्लास स्लैब थी, ये एक ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर दूर है अनसिल्वर्ड फेस से. अनसिल्वर्ड है और ये सिल्वर्ड है. यहां से जब देखोगे तो, और ये इसकी विड्थ है ग्लास स्लैब की 3 जो गिवन है. यहां से देखोगे बिकॉज ये ग्लास स्लैब है तो जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये मिरर आपको रियल और अपेरेंट डेप्थ की वजह से थोड़ा पास नजर आएगा. कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा. ठीक है, तो समझते हो कि ग्लास स्लैब वाटर या किसी मीडियम में देखते हैं तो मिरर पास नजर आता है, तो यहां नजर आएगा. ठीक. अब दूसरी चीज, जब यहां नजर आएगा कितने सेंटीमीटर पास नजर आएगा, तो ये इसकी रियल डेप्थ है और आपको म्यू गिवन है. आपको अगर ये तो सॉल्यूशन है इसका, तो अगर आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर पास नजर आएगा तो आप फॉर्मूला लगाओ, म्यू इज रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ, या फिर अपेरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ बाई म्यू. तो रियल डेप्थ कितनी थी? 3 सेंटीमीटर की स्लैब है, म्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर. तो आपको ये पता लगता है, इससे आपको ये पता लग जाता है कि ये मिरर जो है वो यहां से 2 सेंटीमीटर पास नजर आएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर पे नजर आएगा. तो कितना शिफ्ट हो गया भाई? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां तक आपको ये पता है कि ये विड्थ कितनी है? 3, और ये कितने है? 2. आपको जो मिरर दिखेगा वो ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा. तो आपकी कैलकुलेशन इसके साथ चलनी है. ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 6 है, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है. तो आपको जो इमेज दिखेगी वो भी 8 सेंटीमीटर पे ही दिखेगी. तो इमेज आपको कहां दिख रही है? 8 पे दिख रही है. पर आपको इमेज का डिस्टेंस यहां से थोड़ा निकालना है, अनसिल्वर्ड फेस से निकालना है. तो ये अगर 8 है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो आंसर आएगा इसका कि इमेज जो दिखाई देगी वो आएगी बी ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी
अनसिल्वर्ड फेस. बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ से सबसे पहला काम यह होता है कि आप मिरर की पोजीशन निकाल लो और अपना न्यूमेरिकल इस मिरर के हिसाब से नहीं सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, तो इससे ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर आएगा. तो आइडिया क्लियर है कैसे करना है इसे? ठीक. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो ये एक ये वाटर है और इसके अंदर जो हाइट है वो कैपिटल एच है इस वाटर की लेवल की. एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? डी डिस्टेंस पे. नीचे मिरर है, मिरर है, डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो अपर पानी के लेवल से हाइट कितनी है? एच माइनस डी. ये केस गिवन है. और इसकी इमेज कहीं मिरर के अंदर नीचे कहीं नजर आएगी, और कितनी नीचे नजर आएगी? अगर ये डी है तो ये भी कितना है? डी, क्योंकि मीडियम तो सेम ही है, दोनों यहां पर चेंज नहीं हुआ. तो अगर ये डी है तो ये भी डी है. आपको ये बताना है कि जो पर्सन ऊपर है पी, वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है, वो इसकी इमेज देखता है यहां पे, और फिर दोनों का डिस्टेंस निकालता है, क्या डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस कितना होगा वो आपको बताना है. तो डिफरेंस तो तब निकालोगे जब आप पहले ऑब्जेक्ट बताओगे कि इस पर्सन को ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है. जैसे इस ऑब्जेक्ट की इस लिक्विड से रियल डेप्थ कितनी है? एच माइनस डी. लेकिन पर्सन को कहां नजर आएगी? एच माइनस डी डिवाइडेड बाई म्यू. ऐसे करते थे ना, पानी में कोई चीज देख रहे हो तो उसकी अपरेंट डेप्थ कैसे निकलती है? रियल डेप्थ बाई म्यू, तो एच माइनस डी बाई म्यू. फिर आप वो पर्सन अब इसको देख रहे, अब जब इसको देख रहे तो डिस्टेंस कितना है? एच प्लस डी. लेकिन उसको कहां नजर आएगा? एच प्लस डी डिवाइडेड बाई म्यू, क्योंकि वो तो पानी में देख रहा है इमेज को भी. तो इस वजह से उसको इमेज इतने डिस्टेंस पे नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, दोनों को माइनस करोगे तो डिफरेंस आ गया. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? मतलब पहले आपने निकाल लेने हैं ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का एक्चुअल डिस्टेंस, और फिर आपने क्या करना है? एक्चुअल डिस्टेंस को वाटर की वजह से म्यू से डिवाइड करके दोनों को माइनस कर देना है. ठीक. और लास्ट क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएगा, दो मिनट लेंगे सिर्फ. तो लास्ट क्वेश्चन नॉन मेडिकल में आ सकता है क्या? कि सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर की हाइट कैपिटल एच है, कैपिटल एच है. यहां एक सोर्स है लाइट का, एक सोर्स है लाइट का, और इसमें हमने पानी को डालना शुरू कर दिया. और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सोर्स है वो ए डिस्टेंस ऊपर है नीचे से, और यहां पर मिरर लगा हुआ है. तो अगर सोर्स ए डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज भी ए डिस्टेंस पे ही नजर आएगी. तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि इस पे पानी फिल करना शुरू कर दिया, वाटर को फिल करना शुरू किया, किसी भी इंस्टेंट पर पानी डलता जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर लिक्विड की जो हाइट है वो एच है, विच इज इक्वल टू सी इंटू टी, सी फॉर कॉन्स्टेंट एंड टी फॉर टाइम, टाइम के साथ एच बढ़ता जा रहा है. आपको प्लॉट करना है डिस्टेंस डी ऑफ द इमेज, क्योंकि ये सोर्स है, मिरर के अंदर उसकी इमेज दिखेगी सोर्स की. अब पानी भरोगे तो इमेज की पोजीशन चेंज होती जाएगी, तो इमेज का डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो इमेज का डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, डायग्राम से समझते हैं. ये डायग्राम ज्यादा बेटर बनाया मैंने, क्लियर है थोड़ा. देखो ये सोर्स है, सोर्स का डिस्टेंस ए है. पहली बात मान लो किसी भी इंस्टेंट पर पानी यहां तक आया, कंटेनर की हाइट कैपिटल एच है. इस क्वेश्चन में कंटेनर की हाइट का हमें कोई काम नहीं है, हमें कंटेनर की हाइट नहीं चाहिए, कंटेनर तो चाहे 15 मीटर लंबा हो. हमें चाहिए होता है कि पानी कहां तक है और वाटर किसी भी इंस्टेंट पर कहां तक है, स्मॉल एच तक है. तो जब ऊपर से आप देखोगे तो मिरर आपको फिर से ऊपर नजर आएगा, और कितना ऊपर नजर आ रहा है? एच डैश, एच डैश. तो इसका मतलब लिक्विड का लेवल यहां से यहां तक कितनी हाइट पर है? ए माइनस एच डैश. ठीक है यहां तक? अब आपके लिए मिरर ये नहीं है, आपके लिए मिरर ये है. तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मिरर है और आपके लिए वो सोर्स है, एस सोर्स है, जिसका डिस्टेंस कितना है? ए है. तो इस केस में ये आपके पास डिस्टेंस ए है और ये एच है, ए एच. अच्छा, इसमें ए माइनस, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है. फिर से एक बार देखते हैं, ये मिरर है, आपको यहां नजर आ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? एच डैश. ठीक. अब इसके अंदर
ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कैलकुलेट करते हैं पहले, ये डिस्टेंस कितना होगा a माइनस एच डैश, वो क्यों? क्योंकि ये मिरर है और मिरर के लिए इमेज, इमेज पानी का लेवल यहां तक नजर आएगा और ऊपर कितने a माइनस एच डैश, और दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर h डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h डैश, तो h डैश की वैल्यू क्या होगी? इसमें h डैश की वैल्यू होगी, पानी का लेवल कितना है? h, यानी कि मिरर कितनी दूरी पे है? h। तो h को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 बाय 1 माइनस म्यू से, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला। तो इस केस में h डैश की वैल्यू h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस केस में मुझे करना क्या है, मुझे यह देखना है कि जो इमेज है वो अपना डिस्टेंस चेंज करेगी, और इमेज अपना डिस्टेंस कितना चेंज करेगी? d चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और d की वैल्यू होगी क्या? d की वैल्यू, ये बॉटम ऑफ वेसल है और अगर ये h डैश है तो ये डिस्टेंस कितना है? a माइनस h डैश है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया? a माइनस 2 h डैश। तो ये वैल्यू आ गई, h डैश की वैल्यू हमारे पास है, हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया और h की वैल्यू को क्या पुट किया? ct अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इसे ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, आप असाइनमेंट में चेक कर सकते हो सॉल्यूशन, तो आपके पास ये टर्म आ गई। मैथ्स वाले लोग समझ सकते हैं, d है और t का रिलेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या बनेगी? स्लोप विद नेगेटिव साइन, और ये क्या बनेगा इसका? इंटरसेप्ट। तो यानी कि नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी में, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तभी कह रहा था मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल समझ सकते हैं कि कैसे लाइन की इक्वेशन बनानी है इसमें। 2 मिनट ठीक है यहां तक। तो अगली बार टेस्ट के